साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहां भी रहें हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका एंजल नंबर आपको निकाल कर दिखाऊंगा और इस एंजल नंबर का आपको यूज कैसे करना है जिससे कि आपका भाग्य चमकना शुरू हो जाए, आपका लक आपका साथ देने लगे, आपको सभी कार्यों में सफलता मिलना शुरू हो जाए, धन का आगमन शुरू हो जाए, मनी के ब्लॉकेजेस दूर हो जाए। बहुत ही जबरदस्त रेमेडी है। वीडियो के एंड तक आप लोग बने रहिएगा और जानकारी को अच्छे से समझ करके इस रेमेडी को आप करिएगा, तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। आधी अधूरी जानकारी विष के समान होती है, तो जानकारी पूरी अच्छे से आपको समझना है, ठीक है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि घर में स्वास्तिक जो होता है, काफी लोग स्वास्तिक का वो नहीं समझते कि महत्व क्या है। घर में जब नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज्यादा होती हैं, जब नकारात्मक ऊर्जाओं के घेरे में आप आ जाते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में चैलेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, परेशानियां आना शुरू हो जाती है, कर्ज बढ़ता है, गरीबी बढ़ती है, ठीक है, बीमारी, शत्रु, ये सब चीजें आ जाती हैं। लेकिन स्वास्तिक का अगर सही उपयोग आपने करना सीख लिया अपने घर में, तो कभी भी आपके घर में कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। देखिए, आपने देखा होगा कि काफी धर्मों में क्रॉस का निशान बनाया जाता है, तो क्रॉस का निशान जो होता है ये किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं को काट देता है। तो आप किसी भी पूर्णिमा या किसी भी अमावस्या और इसके अलावा गुरुवार के दिन में एक छोटा सा प्रयोग मैं आपको बता रहा हूं जो कि आपके घर को प्रोटेक्शन देगा। तो अगर गौमूत्र मिल जाए, ठीक है, तो बहुत ही बेस्ट है। हल्दी ले लें, थोड़ा सा अष्टगंध मिला दें, थोड़ा सा लाल चंदन का पाउडर मिला दें, थोड़ा सा कुमकुम, इन सबको गंगा जल से या गौमूत्र से इसका आपको पेस्ट बना लेना है। और आपका जो मेन एंट्रेंस है, मेन आपको जो दरवाजा है, वहां पर आपको स्वास्तिक बना देना है, ठीक है। मतलब बीचों बीच आपको बनाना है, घर के बाहर बीचों बीच आपको एक स्वास्तिक बना देना है। अब देखिए, एक दिन बनाने से कुछ नहीं होगा कि आपने आज इसको बना दिया तो ये पूरी जिंदगी भर काम करे, है ना। इसको कुछ समय पे आपको चार्ज भी करते रहना है। अगर आप गुरुवार गुरुवार इसको चार्ज कर लें तो बेस्ट है। जैसे आपने गुरुवार के दिन में बनाया तो हर गुरुवार के दिन में फिर से इसी के ऊपर आपको स्वास्तिक बना देना है। आपने पूर्णिमा के दिन में बनाया तो हर पूर्णिमा के दिन में फिर से आपको उसी के ऊपर नया स्वास्तिक बनाना है। मतलब जिस भी दिन से आप इसको स्टार्ट करें तो उसको आपको फिर से, जब वो दिन आता है तो उस दिन आपको इसको फिर से बनाना है, इसी तरीके से पेस्ट बना करके। ये आप करेंगे दोस्तों, आपको 11 डेज 21 डेज में इसका परिवर्तन नजर आने लगेगा। देखिए, अब एक दिन में अगर आप सोचे कि हम अंबानी बन जाएं कोई प्रयोग करके, तो एक दिन में कोई भी चीज वर्क नहीं करती है। कि एक दिन में आप सोचे कि आज बीज बो करके और कल हमको फल इसके मिलने लगे, तो पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे कोई भी चीज वर्क करती है, एनर्जी है, और एकदम से वर्क नहीं करेगी, धीरे धीरे वर्क करती है। तो थोड़ा पेशेंस बनाकर इस प्रयोग को करना है। प्रयोग आप करेंगे, कुछ ही दिन करते रहेंगे तो उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, है ना। अब दूसरा प्रयोग जो बता रहा हूं ये आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ से करना है। लेकिन हाँ, एक चीज और करें दोस्तों, एक छोटा सा टिप्स और दे रहा हूं आपको। हर गुरुवार के दिन में आपका जो मेन एंट्रेंस होगा तो उसके लेफ्ट एंड राइट साइड में आप अगर हो सके तो थोड़ा सा गोबर लेकर के, सॉरी, गुरुवार के दिन में गोबर का यूज नहीं करना है, आपको बुधवार के दिन में गोबर का यूज करना है। अपने दोनों तरफ जो होगा लेफ्ट एंड राइट में थोड़ा सा गोबर लीप दिया करें। और गुरुवार के दिन में आपको क्या करना है, जहां पर आपने गोबर लीपा हुआ है वहां पर हल्दी से आपको क्या करना है, स्वास्तिक बना देना है। स्वास्तिक बनाने के बाद में थोड़े से दोनों तरफ आपको चावल रख देना है, सुबह या शाम या दोनों टाइम इस प्रयोग को कर सकते हैं। चावल रखने के बाद में आपको दोनों तरफ आपको लेटी बाती का दिया जला देना है। दिया आप ऐसे जलाएंगे कि दिया का मुंह जो होगा वो आपके घर के अंदर की तरफ होगा। अगर ये हर गुरुवार के दिन में आप करते हैं, बुधवार को थोड़ा सा गोबर लीपना है और बाद में गुरुवार के दिन में उसमें स्वास्तिक बनाना है, चावल रखना है और दिया जलाना है। ये प्रयोग करने से माता लक्ष्मी घर में प्रवेश करती हैं। दरिद्रता अगर घर में है, गरीबी अगर घर में है, तो ये घर से बाहर चली जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयोग है, वास्तुशास्त्र का उपाय है, आप इसे करके देखिएगा, ठीक है। कुछ ही दिनों इसको आजमाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। अब एक रेमेडी दे रहा हूं जो आपको अपने बर्थ चार्ट से, यानी कि अपनी डेट ऑफ बर्थ से करना है। इस प्रयोग को आप वैसे तो किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका अपना डेट ऑफ, जैसे संडे को आपको बर्थ हुआ है उस दिन कर लें, मंडे को हुआ उस दिन कर लें तो बेस्ट है। नहीं तो अपने मूलांक वाले दिन, जैसे 1 तारीख को हुआ है, 2 तारीख को हुआ है, 3 तारीख को हुआ है, तो जिस भी दिन को आपको बर्थ हुआ है उस दिन करेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। घर के सभी मेंबर्स इस रेमेडी को कर सकते हैं। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं, जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं
तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफिकेशन की जो बेल है ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहां से प्रसारित करूंगा आपके काम की होगी तो आपसे मिस नहीं होगी, आपको आसानी से तेजी से प्राप्त होगी और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। और यदि आप लोग अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। यदि आप लोग काफी उपाय कर रहे हैं, काफी रेमेडीज कर रहे हैं, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है तो हो सकता है आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है या फिर बर्थ चार्ट में कोई आपका प्लैनेट अनबैलेंस है जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। जब तक उस प्लैनेट को बैलेंस नहीं करेंगे, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग कोई रेमेडी नहीं करेंगे, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। बर्थ चार्ट के हिसाब से कोई भी रेमेडीज की जाती हैं इंस्टेंट और 100% रिजल्ट दिखाती हैं। इसलिए बोलता हूं हर वीडियो में एक बार अपना बर्थ चार्ट जरूर चेक कराएं। और यदि अपना बर्थ चार्ट मुझे चेक कराना चाहते हैं या अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान चाहते हैं तो आपको स्क्रीन में जो शो हो रहा है व्हाट्सएप में जाकर के छोटी सी माइनर फीस है, फीस पे करके अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझे कॉल में कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों हमारे द्वारा राहु को बैलेंस करने के लिए 18 डेज की शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा की जाती है। राहु को आप लोग सभी वाकिफ हैं कि राहु को यदि आपने बैलेंस कर लिया अनएक्सपेक्टेड वे पे सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है, और यदि राहु अनबैलेंस है तो अनएक्सपेक्टेड वे पर ही दुर्घटनाएं भी होती हैं। तो हमारे पास में जो शाबर मंत्र है नाथ गुरु नाथ पंथियों द्वारा प्राप्त है पूर्ण शाबर मंत्र है। 18 डेज की शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा है जो कि बर्थ चार्ट में राहु को टोटल बैलेंस कर दिया जाता है। इसके अलावा शनि राहु केतु तीनों प्लैनेट्स को एक साथ बैलेंस करने के लिए 28 डेज की पूजा है। और जो लोग रेंट पर रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का मकान चाहते हैं, 3 महीने में खुद के घर की प्राप्ति होती है, शाबर मंत्रों की विशेष पूजा है। मेरे काफी क्लाइंट्स हैं जिनने पूजा कराई है, उन्हें बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, फीडबैक है मेरे पास में। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके और अपनी पूजा बुकिंग करा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है आपको पूरी डेट ऑफ बर्थ यानी कि आपका मंथ, आपका ईयर और आपका डे, इन सबको एक साथ लिख लेंगे। एग्जाम्पल 23/4/1986, ठीक है, ये किसी की डेट ऑफ बर्थ हम लोग ले लेते हैं। तो 2+3 को प्लस कर देंगे बन जाएगा 5, 4 हो गया मंथ, अब 9/1986 इन सबको प्लस कर देंगे। अब पूरा मतलब आपको तब तक प्लस करते रहना है, अब इन सबको प्लस करेंगे तो डबल डिजिट आएगा। तो आपको प्लस तब तक करते रहना है जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, मतलब 1 से लेकर 9 तक में आपका सिंगल डिजिट नहीं आ जाता है तब तक अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपको पूरा प्लस करते रहना है। सबसे पहले पूरी अपना मंथ लिख लेंगे, फिर आपका डे लिख लेंगे और आपका ईयर लिख लेंगे और सबको एक साथ प्लस करेंगे तो हो सकता है डबल डिजिट आ जाए। अब वो डबल डिजिट भी जब प्लस करेंगे तो सिंगल डिजिट आ जाएगा 1 से लेकर 9 तक में, आपका 1 आता है 2 आता है 3 आता है 4 आता है 5 आता है या 9 आता है जो भी आता है। तो इसको आपको क्या करना है, अपना भाग्यांक आपको निकाल लेना है। अब ये भाग्यांक जो होगा ये आपका एंजल नंबर होगा, ठीक है। देखिए एंजल नंबर जो होते हैं, एंजल्स जो होते हैं देवदूत होते हैं, हम एंजल्स के थ्रू जो हमारी नीड होती है हमारे ब्रह्मांड तक, यूनिवर्स तक, जो हमारे प्लैनेट्स हैं उन तक हम अपनी नीड पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारी जो भी जरूरतें होती हैं वो हमारी पूरी होना शुरू हो जाती हैं। एंजल्स नंबर जो होते हैं इनमें एक एनर्जी होती है, और आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जब अपना एंजल नंबर निकालेंगे तो ये बहुत ही पावरफुली आपका वर्क करेगी, आपके भाग्य को चमका देगी। अब जो सिंगल डिजिट आपका आएगा तो इसको आपको क्या करना है, आपका जो मेन एंट्रेंस दरवाजा होगा तो रेड कलर से या फिर ग्रीन कलर से, मार्कर भी ले सकते हैं या फिर जो भी आपको सही लगता है पेन वगैरह, उससे आपको अंदर तरफ और बाहर तरफ दोनों तरफ ये आपको डिजिट आपको लिख देना है। मतलब जो मेन डोर जो होगा आपको वहां पर जो लिखेगा, जिसके इनकम से घर चल रहा है तो वो मेन डोर पे लिखेगा, बाकी जो मेंबर्स है वो क्या कर सकते हैं अपना इसी तरीके से भाग्यांक निकाल करके किसी भी कमरे में जहां पर आप रहते हैं अपने पर्सनल रूम में लिख सकते हैं, या इसको लिख करके अपने तकिए के नीचे रख सकते हैं। और जो घर का मेन मुखिया होगा उसको क्या करना है, अपने मेन एंट्रेंस में डोर में इस नंबर को अंदर और बाहर दोनों तरफ लिख देना है। अब यूज कैसे करना है, जब भी आप घर से किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो इस एंजल नंबर को आपको छी के निकलना है, टच करके निकलना है, और जब घर वापस आते हैं तो आपको बाहर की तरफ से जब अंदर आ रहे हैं तो आपको जो रखा हुआ तो उसको एंजल नंबर को आपको टच करना है और थैंक यू बोलना है। थैंक यू एंजल्स, आज से मेरे सभी कार्यों में मुझे सफलता मिल रही है, धन में वृद्धि हो रही है, मतलब जो भी आपकी मनोकामना है डेली से एंजल नंबर को बोल कर छू करके टच कर करके और आपको बोलना है। और यदि आप लोग जो लोग मतलब घर के अदर मेंबर्स हैं तो वो क्या कर सकते हैं, अपने तकिए के नीचे रखेंगे, जब सोने जाने लगते हैं तो इस नंबर को टच करेंगे और आपको अपनी अफर्मेशंस बोलनी है। सुबह जब सो करके उठते हैं तब भी आपको यही करना है, उस नंबर को टच करना है और अफर्मेशंस बोलनी है कि आपकी वजह से मेरे सभी कार्य सिद्ध हो रहे हैं, मुझे सभी कार्यों में सफलता मिल रही है, मेरी जिंदगी में धन की वृद्धि हो रही है, सौभाग्य में वृद्धि हो रही है। तो ये एंजल नंबर आपकी लाइफ को एकदम चमका के रख देंगे।
तो अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से इस नंबर को निकालिए और इस नंबर का जिस तरीके से मैंने बताया है इस तरीके से आप यूज करिए, आपको जबरदस्त तरीके से रिजल्ट मिलेगा। बस ध्यान ये रखना है कि आप अपने डे वाले दिन कर सकते हैं, बर्थ डे वाले दिन, या अपने जिस भी आपको डेट का डेट ऑफ बर्थ में आपका बर्थ हुआ है उस दिन आपको करना है, और सिंगल डिजिट निकालना है आपको। पूरी डेट ऑफ बर्थ को प्लस तब तक करते रहिए जब तक सिंगल डिजिट ना आ जाए, और जब सिंगल डिजिट जो आएगा वो आपका भाग्यांक होगा। तो बस इसी भाग्यांक का एंजल नंबर का आपको यूज करना है, जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से आप यूज करिए, और जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी आपको अनुभव प्राप्त होते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताएं, ठीक है। और कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। जानकारी दोस्तों काफी अच्छी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये जरूर लिखें, इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख करके मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूं। और जितना हो सके जानकारी को शेयर करिए, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में, अपने भाइयों बहनों में, रिश्तेदारों में, सभी जगह शेयर करें, ठीक है। और किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग, फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग, मुझे कॉल में कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जो पूजा मैंने आपको बताई है राहु के लिए, शनि राहु केतु के लिए, या खुद के घर की प्राप्ति के लिए, जिस भी पूजा की नीड है, व्हाट्सएप में जाकर एक बार कंसल्ट कर सकते हैं और पूजा बुकिंग करा सकते हैं, आपको अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। आज के लिए इतने दोस्तों, मिलते फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।